मन भोपाई जो सारे रिश्ता धोखे बाज महाराज बताया जिस पत्नी के ऊपर विश्वास करते हो वही पत्नी एक दिन दगा दे जाएगी, और तुम अपने बेटे के ऊपर विश्वास करते हो तो समझ लेना एक दिन वो होता है कि बेटा नगर पड़ोसी दाखिल होने लगता है। क्यों? कि न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल होता है, तो बेटा भी पड़ोसी हो जाता है। इसलिए कभी ना बेटों पर गुमान करो। और महाराज हरिचंद्र, तुम तो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हो। हरिचंद्र बोले, प्रभु ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी जाता हूँ और अभी लौट करके आऊंगा। विश्वामित्र बोले, अगर यही बात है तो चले जाओ, लेकिन लौट करके जल्दी आना। महाराज हरिचंद्र वहां से अपने बहनों के लिए चले हैं रानी तारा के पास के लिए। रानी तारा के पास के लिए चले हैं। जैसे ही महलों में पहुंचे, रानी तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज को उदास देखा,
कहने लगे महाराज क्या हुआ? अरे आप पहले आते थे तो तुम्हारा चेहरा एकदम से खिला हुआ नजर आता था, आज क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? हरिचंद्र चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई जवाब नहीं दिया। रानी तारा बोली, महाराज बोलिए ना क्या हुआ? महाराज बताइए ना, आप दास क्यों हो? क्या कारण है? किस कारण से महाराज जो तुम इतने उदास हो? हरिचंद्र बोले हैं, रानी तारा अरे मैं अपना दुख तुम्हारे सामने बांटना नहीं चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मेरा दुख मेरे पास ही रहे, तुमसे अपने मन की बात कहना नहीं चाहता हूँ। तारा बोली, महाराज क्यों? अरे मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, सुख और दुख में साथ देना महाराज मेरा फर्ज बनता है। हुआ क्या महाराज, बोलो ना। और बोली है रानी तारा, ओहो महाराज
जाने तारा। महाराज क्या हुआ? अरे आप पहले आते थे, इतने उदास नहीं रहते थे, हुआ क्या महाराज, मुझे बताइए ना। उसी समय